टेक्निकल विकास टीवी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल विकास टीवी को रेड कलर के बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज किस वीडियो में जानेंगे अपना घर बैठे मोबाइल फ़ोन से हम लोग ज़मीन का रसीद कैसे काटेंगे या लगान रसीद कैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन से घर बैठे काटेंगे। अगर आप कोई दुकान से अगर जो ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं तो आपसे काफ़ी चार्ज लिया जाएगा। जहां 100 रुपये का रहेगा वहां से आपसे 300 रुपये का चार्ज लिया जाता है ऑनलाइन अगर किसी दुकान से आप रसीद कटवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग खुद का रसीद हम लोग खुद से मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हम लोग कैसे काट सकते हैं अपना खेत का रसीद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लाल बटन दबा करके और साथ में घंटी को भी दबा देंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे और अपना घर बैठे काम कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको झाड़ भूमि आपको टाइप करना रहेगा गूगल क्रोम में। इसके बाद आपको सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। इसके बाद सबसे फर्स्ट पेज जो है jharbhoomi.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा या इस पेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट यहां पे आप आ सकते हैं। इसके बाद जब इस तरह के पेज देखने को मिलेगा तो यहां पे इस तरह के देखेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब काफ़ी कुछ है म्यूटेशन करने का है। फिर ये हमारा मेन चीज़ जो है ऑनलाइन लगान, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे रजिस्टर टू देखें, बकाया देखें, पिछला भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें। तो आपको रसीद काटना है अपना भुगतान करना है रसीद बकाया का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना नीचे ऑनलाइन भुगतान करने पे, क्योंकि हम लोग अपना लगान रसीद काट रहे हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरह के पेज देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको लिखा हुआ है जिला का नाम चयन करें। आप जिस भी ज़िला में हैं आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं गढ़वा अपना ज़िला को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब अंचल का नाम अपना सेलेक्ट करना है, अंचल मेरा डंडा है। इसके बाद हल्का का नाम, तो हल्का में मेरा 10 है, हल्का नंबर 10। मौजा का नाम चयन करें, तो मैं अपना मौजा का नाम चयन कर लिया। गाँव का नाम मेरा कोटा है। अब यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद अब इतना जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको आप सर्च करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप किस चीज़ से, अब यहाँ पे देखिए वर्तमान भाग डाल करके इसमें और इसमें पृष्ठ नंबर, आप अपना रसीद में ये दोनों चीज़ रहेगा, वर्तमान भाग और पृष्ठ नंबर आपका खेत में पुराना रसीद में, तो उसको देख करके जो वर्तमान भाग और पृष्ठ पेज नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या इसमें डाल करके आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट दिखा देगा। और आपका पास नई रसीद है तो आप अथी रैयत के नाम से इस पर क्लिक करके आप खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं। या आपके पास इस समय से कुछ भी मालूम नहीं है तो पूरा अगर या सब आपके मतलब कि गांव का पूरा लोगों को देखना है तो आप इस पर नीचे में क्लिक करके खोजे पर आप क्लिक करेंगे, पूरा आपको दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप वर्तमान भाग में अपना डाल देंगे, जो भी वर्तमान भाग है, मान लीजिए कि मेरा ज़मीन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्तमान भाग मेरा 1 है मेरे को याद है और 45 पेज नंबर है मेरा रसीद में जो ये सब रहता है। और खोजे पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेरा ही आएगा। ये देखिए हमारा नीचे में आ गया, विश्वनाथ महतो हीरा महतो, खाता नंबर 60, वर्तमान भाग 1, पृष्ठ नंबर 45 आप देख रहे होंगे। अब इधर में आपको देखें पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल इसमें आ गया, वर्तमान भाग, पेज, जिला, अनुमंडल, हर कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। जमीन कितना है, खाता नंबर कितना है, एक ही खाता एक ही रसीद में 136 162 60 खाता का ये रसीद करता है। यहाँ पे बकाया देखें पर क्लिक करके बकाया देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका बकाया तो मैं नहीं है, मैं क्योंकि इसको काट दिया हूँ। तो चलिए मैं किसी दूसरे का बकाया देख करके पेमेंट तक आपको लेकर के जा रहा हूँ। तो चलिए मैं पूरे गांव का एक, क्योंकि आपको एग्जांपल देना है, समझाना है, तो मैं पूरा इस पर मैं क्लिक कर दिया और खोजे पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आप खोज सकते हैं।
अपना खाता नंबर प्लॉट नंबर कुछ भी डाल करके। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखिए मैं किसी एक आदमी का मैं ऊपर में सही ले रहा हूँ, श्रीमती बिगनी देवी, खाता नंबर 117, वर्तमान भाग 3, पृष्ठ नंबर 63। सब आपको एक पुराना रसीद जो होगा ज़मीन का उससे आप देख सकते हैं, सब कुछ मिलता है उसमें। और उसके बाद आप देखें पे क्लिक करेंगे रसीद काटने के लिए, इस आदमी को मैं रसीद में काट रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, लगान देखें पे क्लिक किया। इसके बाद ये सब आप कंफर्म कर लेंगे, खाता नंबर प्लॉट नंबर रकबा ये इतना कुछ है, और ये पूरा कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। अब नीचे में आपको तीन ऑप्शन आ रहा है, बकाया देखें, पिछला भुगतान देखें, पुनः खोजें। आपको नहीं मिल रहा है तो पुनः खोजें पे आप क्लिक करके खोज सकते हैं। तो मेरे को मिल गया है, तो मैं बकाया देख रहा हूँ मेरा कितना बाकी है, कितना पेमेंट करना होगा। बकाया देखे पे जब मैं क्लिक किया था, देखिए पूरा कुछ ये देखने को मिल जा रहा है, सब कुछ पूरा जिला अनुमंडल है, सब काफ़ी कुछ ये देखने को मिल जा रहा है। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुल बकाया राशि 19.60 रुपये, यानी कि 19.60 रुपये इसको पेमेंट करना है 2015 से 2016 तक, 18 से 19 तक के ये 2015-16 से लेकर के 2018-19 तक का ये रसीद कट जाएगा, 19.60 रुपये बकाया है इतना पे। इसके बाद जब आप देख लेंगे तो नीचे में आप देख रहे होंगे रजिस्टर, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करें जो ग्रीन कलर में है, नीचे में ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करना है। जब ऑनलाइन भुगतान पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क लगा देने का है, आई एम एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद टिक मार्क लगाएंगे, इसके बाद ओके करना है। इसके बाद भुगतान करें जो ग्रीन कलर में है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, फिलहाल ये एरर आ रहा है, कैंसिल पर क्लिक किया, फिर से टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद जब यहाँ पे आपको इस तरह के पेज मिल जाएगा तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में ही आपको छोड़ देना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इस पेज को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आपको नोट एग्री और एग्री का ऑप्शन आ रहा है, तो एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। अब हम लोग नेक्स्ट ये पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे हम लोग अब पहुंच जाएंगे। ये देखेंगे आप, आपको यहाँ पे अब बस आपका एटीएम कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे पेमेंट करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन मिलता है, एक एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से। तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल देंगे, जो एटीएम में फुल जो भी कार्ड नंबर रहता है वो कार्ड नंबर अपना डाल देंगे, यहाँ पे अपना एक्सपायरी मंथ डाल देंगे एटीएम कार्ड में जो है, और यहाँ पे ईयर कौन सा साल में ये एक्सपायर कर रहा है एटीएम कार्ड में आपको देखने को ये सब मिल जाएगा। और फिर सीवीवी यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे, सीवीवी नंबर डालने के बाद ये सब एटीएम कार्ड में रहता है, जो एटीएम कार्ड पर जो नाम है वो नाम डाल करके पे पर क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद आपको पास ओटीपी आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बैंक खाता में है, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप जब डाल देंगे सबमिट कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका रसीद कट जाएगा। इसके बाद अब नेट बैंकिंग चला जाए, आपको पेमेंट करना है तो आप नेट बैंकिंग नीचे का ऑप्शन दिया है, नेट बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर में हाईलाइट में SBI का सिर्फ दिया है, नीचे में आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया है, तो आपका जो भी बैंक का नेट बैंकिंग हो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना आईडी पासवर्ड डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके बाद आपको रसीद मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कॉल कीजिए, मैं उसको जरूर हेल्प करूँगा, या कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आप ईमेल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी समझ में नहीं आए तो आशा करता हूँ ये जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, चैनल पहले बार हमें सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।